हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट विथ टॉपिक नंबर 1.4, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जब हमने बात किया था प्रिंसिपल के बारे में, उसमें हमने देख लिया था करके कि प्रिंसिपल जो होता है ये वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होता है, हर जगह इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। एक गाइडलाइन होता है जो मैनेजर को हेल्प करता है, ठीक है, और प्री डिटरमाइंड जो सॉल्यूशन होते हैं, प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये प्रिंसिपल आपको इसमें मदद करता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि ये जो प्रिंसिपल होता है ना, ये हर एक मैनेजर को आना चाहिए, हर एक मैनेजर को प्रिंसिपल की समझ होनी चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में आगे चलकर अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन रेज हो जाती है तो उसको किस तरीके से टैकल करना चाहिए, ये मैनेजर को तब पता चलेगा जब उसने प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा होगा। तो हर एक मैनेजर को प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए। इसको अगर और अच्छे से समझोगे तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को पता होता है या स्कूल में सिखाया जाता है कि अगर अर्थक्वेक आए या अगर आपने किसी का एक्सीडेंट अगर आपके सामने हो जाए तो किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो ये हमें पहले से समझा के रखे जाते हैं और हर एक व्यक्ति को ये पता होता है। सेम इसी बेस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर काम कर रहे हैं, उन मैनेजर को या मैनेजमेंट को प्रिंसिपल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रिंसिपल है ना, ये आज से फॉलो नहीं हो रहे, ये बहुत सालों से फॉलो हो रहा है। तो इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, प्रिंसिपल के क्या इंपॉर्टेंस है कि इतने सालों से प्रिंसिपल फॉलो होते आ रहे और आगे भी होते रहेंगे, तो वो हमको ये टॉपिक नंबर 1.4 में पढ़ना है। इसमें जैसे कि ये पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, तो एज वी हैव डिस्कस द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह वो एप्लीकेबल होता है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशन, ये एक ऐसे फॉर्म में होते हैं कि प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशन होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन रेज होने वाली है तो आप प्रिंसिपल का यूज करके उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। दे आर गाइडिंग द मैनेजर, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मैनेजर टू नो, मैनेजर को ये गाइड करने का काम करता है, इसके लिए हर एक मैनेजर को इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इन ग्रुप एक्टिविटी, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी टाइप का हो, उसमें प्रिंसिपल की ज़रूरत होती ही है। बस डिपेंड करता है, जहाँ पे साइज़ छोटा होगा तो वहाँ पे अलग तरीके से प्रिंसिपल यूज़ होगा, नेचर है अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो वहाँ पे अलग तरीके से होगा, कंपनी है तो वहाँ पे अलग तरीके से होगी। दिस प्रिंसिपल आर टेस्टेड एंड प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड फ्रॉम मैनी ईयर्स, ये आज से चालू नहीं हुआ है, ये बहुत सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है, यानी कि यूज़ में लाया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ये सिग्निफिकेंस का ये पहला पैराग्राफ है, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर, यानी कि मैनेजर ने अगर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है या प्रिंसिपल के बारे में पता है तो उसे ये बात पता होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से समझना है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल जो होता है ये मैनेजर को हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से समझा जाए। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल हेल्प टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स, अगर आपने प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है कि प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है या सिचुएशन किस तरीके से यूज करनी है। इट फर्दर हेल्प द मैनेजर फाइंड आउट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड हैंडल सिचुएशन, ऑलरेडी बता दिया। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एन आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल, ये जो प्रिंसिपल होते हैं क्या होते हैं, तो ये एक आउटकम होता है, बहुत सारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये प्रिंसिपल को डेवलप किया होता है। द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल हेल्पिंग मैनेजर अबाउट मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन अ डिफरेंट सिचुएशन, इसके लिए ये बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं जिसने अपने एक्सपीरियंस से प्रिंसिपल को डेवलप किया है, तो अगर मैनेजर इस चीज़ को पढ़ता है तो अगर उसके ऑर्गेनाइजेशन में कभी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से वो हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। पॉइंट नंबर टू, हेल्पफुल इन
एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली दो टाइप के रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है, जिसमें से है पहला है फिजिकल रिसोर्सेज और दूसरा है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज जो कि मैन पावर हो गया, लेबर वगैरह। और फिजिकल रिसोर्सेज में मशीनरी आ गई, मनी आ गई, मटेरियल आ जाता है, ठीक है। तो ये दो रिसोर्सेज को यूज़ करना और ऑप्टिमम और एफिशिएंट तरीके से यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप एफिशिएंट तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते हो और आपका कॉम्पिटिटर एफिशिएंट तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो उसका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वो कम होगा और आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने एफिशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से वेस्टेजेस कम करके उसने क्या किया है, अपना प्रोडक्ट बनाया। तो उसने 10 रुपये में बना लिया, आप वेस्टेजेस ज़्यादा किए, एफिशिएंट तरीके से काम नहीं किए, 10 घंटे की जगह पर 12 घंटा लगाए, तो आपको सैलरी वगैरह ज़्यादा पे करनी पड़ी। तो वो बंदा 10 रुपये में प्रोडक्ट बना रहा है और आप वही प्रोडक्ट 12 रुपये में बना रहे हो और दोनों ही जन प्रोडक्ट 15 रुपये में बेच रहे हो। इसका मतलब क्या है कि उसने एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया, एफिशिएंट तरीके से वेस्टेजेस कम करके प्रोडक्ट बनाया तो 5 रुपया प्रॉफिट कमाया, पर आपने एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्ट नहीं बनाया, वेस्टेजेस ज़्यादा किए, तो आपने प्रॉफिट बस 3 रुपया कमाया। तो प्रिंसिपल आपको ये भी समझाता है कि एफिशिएंट तरीके से वेस्टेजेस को कम करते हुए इन्वायरमेंट में जितने भी लोग होते हैं उनके बीच में हेल्दी रिलेशनशिप बना के, सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में अच्छा रिलेशन बना के किस तरीके से काम किया जाए, वेस्टेजेस कितना कम किया जाए, आउटपुट कितना ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, सेल्स को कितना ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, यही आपका पॉइंट नंबर 2 बात करता है। पढ़ते, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर यूज्ड। फर्स्ट फिजिकल रिसोर्सेज, सेकंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में आपका मटेरियल आ गया जैसे कि रॉ मटेरियल, दूसरा मशीन्स, फिर मनी, और ह्यूमन रिसोर्स में आपका मैन पावर। द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दिस रिसोर्सेज। जो मेन फंक्शन होता है प्रिंसिपल का ये होता है कि ये जो रिसोर्सेज है इनके बीच में प्रॉपर बैलेंस बना के रखना, बाय पुटिंग देम टू ऑप्टिमम यूज एंड कंट्रोल ऑन वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज। कम से कम वेस्टेजेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। ये वर्ड जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आप के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको अच्छी तरीके से यूज़ करो। जैसे आपके पास अगर एग्ज़ाम के पहले 10 घंटा है पढ़ने के लिए, उसमें से आपने 1 घंटा पढ़ा, 9 घंटा वेस्ट कर दिए, यानी आपने अपने टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया। पर जिस बच्चे ने पूरे 10 घंटे पढ़े यानी उसने अपने टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, वेस्टेजेस बहुत कम किए। तो ये होता है मतलब ऑप्टिमम यूज़ का। उसके बाद वाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ऑलवेज यूज टेक्निक एंड प्रिंसिपल। हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखने के लिए नॉर्मली मैनेजमेंट जो होता है क्या करता है, प्रिंसिपल की हेल्प लेता है। इट हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज विच इंक्रीज द एफिशिएंसी लेवल। एफिशिएंसी लेवल का मतलब क्या होता है, तो एफिशिएंसी लेवल का मतलब होता है वेस्टेजेस कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करके देना। जैसे कि अगर मैं कंपनी ए और कंपनी बी, दो कंपनी की बात करूँ, तो दोनों ही के पास 10 घंटे, पर कंपनी ए जो है 10 घंटे में 12 यूनिट बनाता है और कंपनी बी जो है 10 घंटे में 8 यूनिट ही बना रहा है। इसका मतलब क्या, कंपनी बी जो है वेस्टेजेस ज़्यादा कर रहा है और कंपनी ए जो है ये एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, जितना भी रिसोर्सेज के पास अवेलेबल है अच्छे से ये यूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल ये एक सिस्टमैटिक एंड बैलेंस डिसीजन लेने के लिए काम में आता है। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक एंड बैलेंस डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिस्टमैटिक एंड बैलेंस डिसीजन नहीं लोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे हो जाओगे, और सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन लेने में कौन हेल्प करता है, तो प्रिंसिपल। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और साइंटिफिक डिसीजन मीन्स सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन। प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन। जो
सिचुएशन अगर ख़राब सिचुएशन अगर रेज हो जाती है, क्रिटिकल यानी कि बहुत ही ऐसा सिचुएशन जहाँ पे बहुत ध्यान देके काम करने की ज़रूरत है, तो ऐसे टाइम में मैनेजर को अच्छे से काम करना होता है। और ये अच्छे से किस तरीके से काम किया जाता है, क्रिटिकल सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये प्रिंसिपल उनको ट्रेन करता है इस बात को। वही लिखा है, प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन ट्रैक्टफुली, अदरवाइज द मैनेजर हैव टू वर्क ऑलवेज विद ट्राई एंड एरर मेथड। अदरवाइज अगर उसने प्रिंसिपल अगर नहीं पढ़ा है, बराबर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर समझो कोई अर्थक्विक आ गया समझो, और आपने अर्थक्विक के बारे में नहीं पढ़ा या बचपन में कभी नहीं पढ़े थे कि अर्थक्विक आया तो क्या करना चाहिए, तो आप क्या करोगे, ट्राई एंड एरर करते रहोगे, चलते एक काम करते हैं, घर में कहीं पे छुप जाते हैं या तो कहीं बीच में रुक जाते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको पता होता अर्थक्विक के बारे में, पढ़े होते, तो आप क्या करते, फटाफट घर से बाहर निकलते हो, आप खुले मैदान में जाकर खड़े हो जाते। फर्स्ट केस में क्या हुआ, आपको पता ही नहीं था अरे भूकंप आ रहे क्या करना है। दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ, आप घर से बाहर गए, मैदान में जाके खड़े हो गए, क्यों, क्योंकि आपको पता था। सेम मैनेजर के साथ भी होता है, अगर मैनेजर ने प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है तो उसे पता होगा कि ये सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करनी है। अगर वो नहीं पढ़ा है तो वो ट्राई एंड एरर करेगा, चलो ये करके देख लेते, ये नहीं हुआ चलो ये करके देख लेते, इस तरीके से, ठीक है। विद द यूज ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल वन कैन गेट एन आइडिया अबाउट हाउ टू एनालाइज यानी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, एनालाइज द सिचुएशन टू सर्च अल्टरनेटिव ऑप्शन एंड देयर रिजल्ट। पॉइंट नंबर फोर, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इतने देर से हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इस बात का ध्यान रखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है उसे पता चले कि किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, किस तरीके से टैकल करना चाहिए किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को, राइट। पर प्रिंसिपल बस इसी बारे में बात नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन की कि आप क्या क्या करोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर को पीछे कर सकते हो, या आप किस तरीके से एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हो, किस तरीके से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ये तो है ही, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल होता है वो CSR के बारे में भी बात करता है। क्या CSR के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि आप जिस, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कि आप जिस लोकेलिटी में काम कर रहे हो, ठीक है, आप जिस लोकेलिटी से प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आपका काम होता है कि आप उस लोकेलिटी के लिए भी कुछ करो, जैसे कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट दो, कस्टमर के साथ चीट मत करो, उनको क्या दो, क्वालिटी प्रोडक्ट दो, उनके साथ चीटिंग मत करो, मार्केट में मोनोपोलिस्टिक डेवलप मत करो कि आपने ऐसा किया है कि किसी को आपने एक ऐसा मार्केट बना के रखा है कि आप किसी दूसरे बिजनेसमैन को एंटर ही नहीं होने दे रहे हो। जैसे ही कोई दूसरा बिजनेसमैन आपके सामने कोई दुकान खोलता है कि आप अपने सामान डिस्काउंट में बेचना शुरू कर देते हो, सामने वाला बंदा बेच नहीं पाता है, उसको लॉस होने लगता है, तो वो बंदा वहाँ से बंद करके चला जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे कि आप आज एक लाइव एग्जांपल लेंगे तो जैसे कि कोरोना का जो चल रहा है, इसमें बहुत सारे कंपनी है, टाटा हो गए या अडानी हो गए, रिलायंस हो गए, ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ डोनेट कर रहे हैं, देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये उनका मेन काम नहीं है, पर वो जहाँ से पैसा अर्न किए, पैसा अर्न कहाँ से किए, इंडिया से, इंडिया के लोगों से पैसा कमा रहे, तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने लोकेलिटी के लिए, अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करे। तो प्रिंसिपल हमको ये भी सिखाता है, पॉइंट नंबर फोर में पढ़े, जैसे कि पॉइंट नंबर फोर, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के हर एस्पेक्ट पे बात करता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, दे आर नॉट डेवलप ओनली फॉर व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली, बट दे गाइड द मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए। जैसे कि आप कोई क्वालिटी प्रोडक्ट तो प्रोवाइड कर रहे हो, पर इतना महंगा प्रोवाइड कर रहे हो कि कोई लेमैन नहीं खरीद सकता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करो और उसका एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए जो हर कोई अफोर्ड कर पाए। अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक, बताया ना मैंने वो एग्जांपल, कि आप अपने मार्केट में मोनोपोलिस्टिक डेवलप मत कर दो कि आप किसी को एंटर ही नहीं होने दे रहे हो। सिचुएशन इन अ मार्केट, फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, फेयर रेमुनरेशन होना चाहिए, रेमुनरेशन का मतलब मैंने बताया था सैलरी, चेंज इन एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्किंग प्लेस होना चाहिए,
आपके यहाँ पे जो इम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका ध्यान रखो कि उनका कैंटीन की फैसिलिटी कैसी है, उनके वॉशरूम की फैसिलिटी कैसी है। तो जहाँ पे आपका जो काम होता है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, अच्छा होना चाहिए, हेल्दी वर्किंग प्लेस होना चाहिए। स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी, जो मशीनरी या टूल आप यूज़ करते हो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 खत्म होता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, इंकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट रोज चेंज हो जाता है। हो सकता है आज मार्केट में कुछ बिक रहा है, कल वो ना बिके, जो आज नहीं बिक रहा है वो कल बिके। जैसे कि साइकिल थोड़े दिन पहले बिकना बंद हो गए थे, पर जैसे जैसे इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को पता चला तो अभी साइकिल भी बिकने लग गए। पहले गाड़ियां बहुत तेजी से बिकती थी, पर आज पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे कंट्री में गाड़ियां बिकना बंद हो गई है। तो ये जो मार्केट है ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये डायनेमिक इन नेचर होते हैं। डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, चेंज होते रहना। तो आपको, आप जो प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल में भी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहो कि अगर मार्केट चेंज हो रहा है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी आ रही है या मार्केट में थ्रेट आ रहा है या मार्केट अलग बिहेव कर रहा है, तो आप अपने प्रिंसिपल को भी चेंज करते रहो। और इसको चेंज करने के लिए क्या चाहिए, आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रिंसिपल एक बार 1990 में कुछ एक प्रिंसिपल फॉलो करते थे और 2020 तक आप वही फॉलो कर रहे हो, नहीं नहीं कर सकते। मार्केट चेंज हो रहा है और जैसे जैसे मार्केट चेंज होगा वैसे वैसे आपके प्रिंसिपल को भी चेंज करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, इंकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक, डायनेमिक यानी हमेशा चेंज होते रहते हैं। देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलोंग विद द चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड। जैसे जैसे बिजनेस वर्ल्ड चेंज होता है वैसे वैसे ये प्रिंसिपल भी चेंज होते रहना चाहिए। ओवर द ईयर दे हैव डेवलप्ड टू सूट अ करेंट सिचुएशन, कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे बिजनेस चेंज होता है वैसे वैसे वो भी अपने आप को चेंजेस करते रहते हैं। तो करेंट नीड जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो करेंट नीड होती है उसके हिसाब से प्रिंसिपल बिहेव करता है। इट इनेबल अ मैनेजर टू ब्रिंग कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन दैम। कंसिस्टेंट यानी कि लगातार इंटरवल पे उस पर इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। मैनेजमेंट अडॉप्ट न्यू ट्रेंड एट अ वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली। दे गाइडलाइन हेल्प मैनेजर टू मेक कंपेरिजन ऑफ यूज प्रिंसिपल विद एक्सपेक्टेड आउटकम। उनको जितना आउटकम चाहिए उसके हिसाब से वो प्रिंसिपल में चेंजेस लाते रहेंगे। उसके बाद यही बात बार बार की गई है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। प्रिंसिपल आपके मैनेजर को इसमें भी हेल्प करता है कि किस तरीके से वो अपने जितने भी इम्प्लॉयज है, जो सुपीरियर हो गया या जो सबॉर्डिनेट हो गया, उसके बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेट रखे, और जो इम्प्लॉय मैनेजर के नीचे काम कर रहे हैं उनके अंडर में काम कर रहे हैं उनमें कैसा कंट्रोल रखे। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द गाइडलाइन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये क्या है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आप अपने इम्प्लॉय के बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल बनाए रख सकते हो। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट इम्प्लॉयज। अलग अलग इम्प्लॉयज, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इम्प्लॉय हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट का इम्प्लॉय हो गया, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का हो गया, इसके बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, ये बहुत ही मुश्किल का काम होता है। पर ये आप कब कर सकते हो, जब आपको प्रिंसिपल के बारे में पता हो और प्रिंसिपल आपकी हेल्प करे। डिफरेंट इम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क फॉर मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज किस तरीके से परफॉर्म करते हैं इस पर कंट्रोल रखना भी एक डिफिकल्ट टास्क होता है। पर यह आप कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास प्रिंसिपल का नॉलेज हो तो दोनों ही काम आप आसानी से कर लोगे, कोऑर्डिनेशन भी बना लोगे और कंट्रोल भी कर लोगे। पॉइंट नंबर 7, डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैनेजर जो होता है ना, मैनेजमेंट, अगर मैनेजर ने प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है तो उसे पता होता है कि किसी भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को, अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको किस तरीके से ग्रैब करना है, और बिजनेस में उसके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं पे वीक पॉइंट है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसको किस तरीके से वीक पॉइंट को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव डेवलप करता है मैनेजर के लिए अगर आपने प्रिंसिपल पढ़ा है तो। With the help of various principle of management, one can develop an objective approach. क्या कर सकते हैं, एक objective approach develop कर सकते हैं। Manager can identify the business opportunity. Manager जो होता है business के opportunity को identify करता है, root cause of problem in correct manner and can provide appropriate solution on it. अगर कोई भी problem create हुई है तो आप उसके root cause तक जाओ, main तह तक जाओ कि भाई क्या प्रॉब्लम थी,
और उसको सॉल्व करो, इट बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ मैनेजर। और इस तरीके से अगर मैनेजर काम करने में कामयाब होता है तो मैनेजर के खुद के दिमाग में कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन पॉइंट टॉपिक नंबर 1.4 जो था ये हमने ख़त्म किया। टॉपिक नंबर 1.4 हम किसके बारे में पढ़ रहे थे कि प्रिंसिपल की क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग ने पढ़े वो था कि प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट ऑफ मैनेजर। मैनेजर ने अगर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा तो उसे पूरा नॉलेज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से यूज करना है और इफेक्टिव तरीके से यूज करना है, ये पॉइंट नंबर 2 था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन जो है वो साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए, यानी कि सिस्टमैटिक एंड बैलेंस्ड डिसीजन होना चाहिए, पॉइंट नंबर 3 था। अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस प्रॉफिट पे ही नहीं बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी आपको ध्यान देना है, ये पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए वो इंकरेज करते हैं कौन, प्रिंसिपल। बिजनेस जो है वो डायनेमिक है तो उसके साथ साथ आपका प्रिंसिपल जो है उसे भी चेंज होते रहना चाहिए। हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, आपके जो इम्प्लॉयज़ हैं उस पर कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बिठाना है अलग अलग डिपार्टमेंट के इम्प्लॉयज़ में, और इम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये पॉइंट नंबर 6 था। और एक ऑब्जेक्टिव डेवलप करना, ये पॉइंट नंबर 7 था। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक 1.5 है, थेरीज ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही छोटा सा है और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ओवर, इसके बाद वाले जितने भी टॉपिक आने वाले उसके बस एक ओवरव्यू देने के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया गया। इस पैराग्राफ में इस बारे में बात की गई है कि जो मैनेजमेंट होता है या मैनेजमेंट थियोरीज होती है ये क्यों होता है। एक्चुअली में देखने गए तो मैनेजमेंट थियोरीज ही प्रिंसिपल होते हैं, बराबर। तो मैनेजमेंट थियोरीज क्यों होते हैं, तो अभी तक तो आप पढ़ चुके हो, इतना समझ में आ गया कि मैनेजमेंट थियोरीज क्यों होती है, तो एम्प्लॉय को गाइड करने के लिए होती है, मैनेजमेंट को गाइड करने के लिए होती है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्रॉब्लम रेज हो जाता है या क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो उसको सॉल्व किस तरीके से सॉल्व करना है, इसलिए प्रिंसिपल होता है। अगर प्रिंसिपल ना हो या मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल ना पढ़ा हो तो ट्राई एंड एरर करने लगेगा। तो ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ लोगों के बारे में बोला गया है कि जैसे कि F.W. टेलर के बारे में बात की गई है और हेनरी फ्योल के बारे में बात की गई है, इनके प्रिंसिपल के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, पर इनके बारे में बताया गया कि ये कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कुछ थियोरीज डेवलप की है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जा सकती है, भले वो किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल साइज हो, मीडियम साइज हो, उसका नेचर कोई भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो यूज़ की जा सकती है। एक दो लाइन पढ़ के देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है, मैनेजमेंट थियोरीज आर सेट ऑफ जनरल रूल्स दैट गाइड द मैनेजर टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या कर रहा है, तो एक जनरल रूल्स है, वो जनरल रूल्स क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को गाइड करता है। थियोरीज आर एन एक्सप्लेनेशन टू असिस्ट एम्प्लॉयज, असिस्ट यानी हेल्प करना, असिस्ट एम्प्लॉयज टू इफेक्टिवली रिलेट टू द बिजनेस गोल एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव मीन्स टू अचीव द सेम। उसके बाद क्या लिखा है, वेरियस मैनेजमेंट थिंकर, यानी कि जो कुछ लोग थे जो सोचते थे इसके बारे में, हैव इंट्रोड्यूस थियरीज, बहुत सारे लोग हैं जिसने सोच विचार करके, रिसर्च करके कुछ थियरीज दिए। वेरियस मैनेजमेंट थिंकर हैव इंट्रोड्यूस थियरीज विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस, अलग अलग अप्रोचेस पे वो बेस्ड है। मैनेजमेंट थिंकर सच एज F.W. टेलर, हेनरी फ्योल हैव इंट्रोड्यूस थियरी विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस। तो यही बातें हैं जो आगे भी हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।